हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास सेकंड हिंदी, हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर 7 नन्ही चिड़िया, जो कि हमने पहले पढ़ा था। आज हम इसके करते हैं अभ्यास। प्रश्न पेज नंबर 37। इसमें सबसे पहले आपके मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न जो है, सभी जानवर क्यों डर रहे थे। इस प्रश्न में पूछा है सभी जानवर क्यों डर रहे थे, तो आपको उत्तर लिखना है जंगल में भयंकर आग लग गई थी इसलिए सभी जानवर डर रहे थे। क्या लिखना है? जंगल में भयंकर आग लग गई थी इसलिए सभी जानवर डर रहे थे। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 2, नन्ही चिड़िया ने क्या देखा। प्रश्न पूछा है नन्ही चिड़िया ने क्या देखा, तो आपको उत्तर लिखना है नन्ही चिड़िया ने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं। क्या देखा? सभी लोग भयभीत हैं। उसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3, नन्ही चिड़िया कैसे पानी भरकर लाई। क्या पूछा है? नन्ही चिड़िया कैसे पानी भरकर लाई, तो आपको उत्तर लिखना है नन्ही चिड़िया चोंच में पानी भरकर लाई। नन्ही चिड़िया चोंच में पानी भरकर लाई, ठीक है। अब है आपके अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी यहां पे लिखा हुआ है सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। क्या है? सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, उस जंगल में एक नन्ही रहा करती थी। उस जंगल में एक नन्ही रहा करती थी। 3 विकल्प दे रखे हैं आपके, क चिड़िया, ख चूहिया, ग कोयल। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपके? चिड़िया। उस जंगल में क्या रहती थी? चिड़िया। उस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहा करती थी। अब है आपके नंबर 2, वह जल्दी ही पास की मैं गई। 3 विकल्प दे रखे हैं, नहर, गंगा, नदी। तो चिड़िया कहाँ गई थी जल्दी ही? चिड़िया वह जल्दी ही पास की नदी। क्या होगा? नदी, नदी में गई। इसका सही उत्तर जो है ग, नदी। आपने भी यह चैप्टर पढ़ा था कि भाई वह जो चिड़िया है जल्दी ही पास की नदी में गई। अब है नंबर 3, पास से ही एक गुजर रहा था। पास से ही एक गुजर रहा था। 3 विकल्प दे रखे हैं, क उल्लू, ख कौवा, ग कबूतर। इसमें सही उत्तर क्या होगा? क उल्लू। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसके बाद में है नंबर 4, चिड़िया ने बहुत के साथ उत्तर दिया। 3 विकल्प है, क खुशी, ख क्रोध, ग विनम्रता। तो चिड़िया ने बहुत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया। क्या होगा? ग विनम्रता। उसके बाद में है आपके नंबर 5, उल्लू यह सुनकर बहुत हुआ। क गुस्सा, ख प्रभावित, ग आश्चर्यचकित। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है,
यहाँ आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद में जो लिखित प्रश्न है वह हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम करते हैं सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, इसमें से सही शब्द चुनना है और आपको यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, नंबर वन है एक बहुत, यहाँ पे रिक्त स्थान है, जंगल हुआ करता था, तो आपको क्या भरना है यहाँ पर, घना। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में है नंबर टू, थोड़ी ही देर में जंगल में, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, मच गई। थोड़ी ही देर में जंगल में मच गई, तो यहाँ पे आपके शब्द दे रखे हैं भगदड़, क्या आएगा भगदड़। थोड़ी ही देर में यहाँ में भगदड़ मच गई, जंगल में भगदड़ मच गई। उसके बाद में है नंबर तीन, उल्लू ने चिड़िया की इस, रिक्त स्थान है यहाँ पर, को देखा, तो आपको उत्तर लिखना है, इसमें से सही शब्द चुनकर लिखना है। उल्लू ने चिड़िया की इस हरकत को देखा, हरकत। ठीक है, नंबर फोर, उल्लू यह सुनकर बहुत, यहाँ पे रिक्त स्थान है, हुआ, क्या लिखना है आपको, प्रभावित। उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर है नंबर फाइव, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, लागू। ठीक है, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। उसके बाद में है आपके सही कथन के आगे राइट और गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। जो कथन सही है उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके सामने आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, पहला है पूरे जंगल में भीषण आग लग गई थी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। नंबर टू, उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी, बिल्कुल सही है, उस जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। नंबर तीन, चिड़िया जल्दी ही पास की नहर में गई, गलत, क्योंकि चिड़िया एक पास की नदी में गई थी, कहाँ गई थी, पास ही नदी में गई थी। नंबर फोर, पास से ही एक कौवा गुजर रहा था, यह कथन जो है गलत है, क्योंकि पास से एक उल्लू गुजर रहा था। नंबर फाइव, हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमें बिना डरे प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद में भाषा और व्याकरण वाले प्रश्न में आपके नंबर छ, समानार्थी पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची शब्दों को आपस में मिलाइए, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है पर्यायवाची शब्दों की। नंबर वन है पानी, पानी को और क्या कहते हैं, जल, क्या कहते हैं, जल। नंबर टू, आग, आग को और क्या कहते हैं, अग्नि। नंबर थ्री, प्रकाश, प्रकाश को और क्या कहते हैं, रोशनी। नंबर फोर, उत्तर, उत्तर को और क्या कहते हैं, जवाब। नंबर फाइव, सुंदर, सुंदर को और क्या कहते हैं, खूबसूरत। नंबर सिक्स, पुत्र, पुत्र को कहते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ आपके हो गया, आपको कॉपी में लिखिए मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान कॉपी में करने। आज इतना ही, लिखित प्रश्न
और ये जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।